श्री ओमकारेश्वर में मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का आगमन हुआ, जहां उन्होंने किसानों के हित में किए जा रहे सरकार के कई कामों का गुणगान किया। मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हर दिशा में कार्य कर रही है। सरकार ने किसानों को ऋण माफी के लिए ऋण समाधान योजना के प्रावधान के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने, मूल्य उत्पादन के अनुसार किसानों को हर संभव मदद करने के लिए शिवराज सरकार लगी है। प्रदेश सरकार अनेक कल्याणकारी योजना में लाभ पहुंचा रही है। ओंकार महाराज जी से यही प्रार्थना की कि वर्षा अच्छी हो, उत्पादन अच्छा मिले, किसान समृद्ध हो, सारी जनता खुशहाल रहे और बाबा की कृपा से इस बार वर्षा भी अच्छी हो रही है, फसलें भी अच्छी है और विश्वास ऐसा कि उत्पादन भी अच्छे मिले। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हम लाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है किसान समृद्धि योजना, और किसान समृद्धि योजना में ये भावांतर योजना भी उसी में है, ऋण राहत योजना ब्याज में जो राहत दी जा रही है, समाधान योजना वो भी उसी में है। इसके अलावा जो जो भी और लगेगा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए वो सारे प्रावधान उस किसान समृद्धि योजना में। प्रदेश के कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन लाभ लिए। दौरे के दौरान ओमकारेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष लीलाधर खंडेलवाल सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया।